एक ही पार्टी में रहते हुए भी हमेशा अपने साथी नेता और हरियाणा के पूर्व सहयोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलने वाले कैप्टन अजय यादव एक बार फिर हुड्डा पर बरसे और जमकर बरसे। कैप्टन साहब ने हुड्डा पर निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख जैसा गंभीर आरोप तक लगा दिया, वो भी एक जनसभा के दौरान। क्या क्या कह गए कैप्टन अजय यादव, आप भी सुनिए। सैनी साहब कह रहे थे भाई कप्तान साहब आप पीछे जाते हो, 2009 में दो नाम थे केवल मेरा हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब जो है मुख्यमंत्री थे, उनके पास पांच इंडिपेंडेंट आदमी थे, उनने खरीद लिए, मैं खरीद नहीं पाया, मैं तो भाई लूटा नहीं लोगों को। कैप्टन अजय यादव बीता जमाना याद कर रहे थे। बात तब की थी जब कैप्टन साहब के मुताबिक सीएम बनने की दौड़ में दो नेता थे, एक खुद कैप्टन यादव और दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अजय यादव कह रहे हैं कि वो 2009 में सीएम इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो पांच इंडिपेंडेंट विधायकों को खरीद नहीं पाए, और तो और वो हुड्डा पर सीएलयू के नाम पर पैसा लूटने का आरोप भी लगा रहे हैं, वो आरोप जो अब तक इनेलो, हजका और बीजेपी वाले ही लगाते रहे। अगर मैं भी लूटता सीएलयू कराता मैं, और जैसे हमारा और भाइयों ने जो हमारे इसके पीछे लग रहे हैं, पिछलों को बढ़ रहे हैं इलाके के लोग जिन्होंने सीएलयू करके पैसा कमाया था, मैंने भाई को सीएलयू में पैसे कमाए ना, हुड्डा से मैंने कोई सीएलयू कराई। मैंने तो अगर कॉलेज खोले हैं तो अपने जमीन में खोले हैं, वहां पर सीएलयू की जरूरत नहीं थी क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी। और अगर मैंने खुद जयपुर में जाकर लॉक की थी, जयपुर जाकर आज हमारे यहाँ के 200 बच्चे निकलते हैं मेरे कॉलेज से। आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब अजय यादव ने खुले मंच से माइक का इस्तेमाल हुड्डा के खिलाफ बोलने के लिए किया हो। हुड्डा के सीएम रहते हुए भी अजय यादव उन पर सिर्फ रोहतक का ही सीएम होने का आरोप तक लगा चुके हैं। नाराजगी में बिजली मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं, कई बार आलाकमान से शिकायत भी कर चुके हैं। रह रहकर प्रदेश का सीएम न बन पाने की उनकी टीज भी बाहर आती रही है, लेकिन इस दफा सबके सामने जो कैप्टन अजय यादव कह गए वो जाहिर तौर पर कांग्रेस और हुड्डा और खुद अजय यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, भले ही फिर अजय यादव अपने बयान से यू टर्न क्यों न ले ले। टोटल न्यूज के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।